नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे, लगातार हम लोग आपके लिए संग्राम सीरीज में आपके मदद के लिए लगातार वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, जो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कनेक्ट होकर के हमसे जुड़ सकते हैं। और हम लोग उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, सारी फैकल्टीज आपके लिए डेडिकेटेड है। उसी क्रम में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग तो पेपर 7 पार्ट 3 का 2 लेक्चर पहले ही आ चुका है, आज हम लोग तीसरा लेक्चर करने वाले हैं पेपर 7 पार्ट 3 में। आपको पता है पेपर 7 से अक्सर क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, जिसको आसानी से किया जा सकता है, जिसके बारे में बेसिक नॉलेज अगर हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है और अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। इसलिए पेपर 7 आपके लिए एक स्कोरिंग पोर्शन बन जाता है, जहां पर आप मार्क्स आसानी से ले सकते हैं, पर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत है। पेपर 7 में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने मानव संसाधन के विकास, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इन तमाम चीजों की चर्चा की थी। उसमें जनसांख्यिकीय लाभांश की बात की गई थी, कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, इसकी बात हुई थी। लेक्चर 2 के दौरान हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू करिकुलम फोरम और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात की थी। ये तमाम वो लेक्चर 2 के सारे टॉपिक्स इस बार के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उनको देखें और उसके बाद कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी क्रम में आज तीसरा लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस की, संस्थाओं की, जो कौशल विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ और एक आध ऐसे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स और कुछ सरकार के द्वारा जितने योजनाओं में सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार के जो एफर्ट्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। अक्सर इनसे सवाल पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डेमोग्राफिक डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डेमोग्राफिक डेवलपमेंट की इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, थोड़ी बहुत चर्चा इसकी पहले हुई है, पर आज उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा टाइम देकर के समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसांख्यिकीय लाभांश मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इस साल और अगले साल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको जनसांख्यिकीय लाभांश भी कहते हैं और जनानिकी भी कहते हैं। जनानिकी का मतलब कि जिस तरह से जनसंख्या है उसमें कितने तरह के लोग श्रम बल में शामिल है, तो आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे जनसांख्यिकी का मतलब क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और भारत में इसकी स्थिति क्या है। इन 3 मुद्दों पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके सारे इसमें जितने भी आपके इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है? जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब ये है, जैसे देखिए भारत के देश की जनसंख्या, किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो कुल अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर के बना हुआ। जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, 0 से 15 साल के लोग हैं जो स्कूल जाते हैं, 15 से 64 साल के आयु वर्ग के लोग वो माने जाते हैं जिनके पास कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य ऊर्जा होते हैं, ये मतलब इनके पास कार्य करने की क्षमता होती है, श्रम बल के दायरे में गिने जाते हैं ये। और फिर 64 से ऊपर यानी कि 65+ वाले जितने उम्र वर्ग के लोग हैं, इनको माना जाता है कि निर्भर हो जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं, ये ज्यादातर लोग रिटायर्ड माने जाते हैं। ये एक दायरा है, ये बांटने का तरीका, इसमें ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 65+ वाले से रिटायर नहीं होते, वो तो 70 तक के काम करते हैं, जरूर करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, 74 ईयर होने के बावजूद 18 साल तक 18 घंटे लगातार मेहनत करने का दावा उनके द्वारा किया जाता है, तो लोग काम करते हैं। पर जो जनसंख्या का वितरण है उसको बांटने का तरीका ये है कि हम उसको 3 भाग में बांटते हैं, 0 से 15 वाले जो स्कूल गोइंग होते हैं, जिनके ऊपर अभी शिक्षा दीक्षा में लगे होते हैं, फिर 15 से 64 वाला आयु वो माना जाता है जिसमें लोग काम करते हैं, और फिर 65+ वाला आयु वर्ग होते हैं जिसमें लोग रिटायर्ड हो जाते हैं या वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आ जाते हैं। आप जानते हैं कि इसमें पहला और तीसरा यानी कि जो स्कूल जाने वाले 0 से 15 साल वाले और 65+ आयु वर्ग वाले लोग, इनको एक साथ कंबाइंड करके हम लोग कहते हैं कि निर्भर जनसंख्या हो। ये निर्भर जनसंख्या मतलब इनके केयर करने की जरूरत है, इनके केयर करने की जरूरत है। ये ऐसे जनसंख्या है जो
निर्भर है किस पर, जैसे कोई घर का बुजुर्ग है तो अपने घर के बच्चों के ऊपर निर्भर होता है, बच्चे कमा करके आते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उनके खाने के लिए, तमाम चीजों के लिए वो निर्भर होते हैं। वैसे ही बच्चे हैं, तो 0 से 15 साल के बच्चे हैं, ये स्कूल जाते हैं, इनके स्कूल की फीस, इनके कपड़े, इनके पहने, उनको कमाने की कोई फिक्र नहीं होती। पर कमाने की उम्र जो होती है 65 से 64, 15 से 64 साल की उम्र आयु वर्ग के लोग श्रम बल के दायरे में आते हैं, किसी राष्ट्र के श्रम बल कहलाते हैं। श्रम बल की परिभाषा हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि श्रम बल का निर्माण वो लोग करते हैं, उस जनसंख्या का वह हिस्सा जो जो 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग का हो, जिसके पास या तो कोई रोजगार हो, या फिर अगर वो बेरोजगार हो तो ऐसा हो कि वो रोजगार करने का इच्छुक हो, वो काम की तलाश में, उसको आप कहते हैं कि वो श्रम बल के दायरे में आता है। जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या का वो हिस्सा है जो श्रम बल के दायरे में आते हैं, अर्थात ये लोग उस देश के आर्थिक तरक्की में, इकोनॉमी में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सो पहली बात तो ये कि जनसांख्यिकी समझना है कि श्रम बल क्या होता है। जब श्रम बल समझ में आ जाता है तो जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब ये होता है कि जब किसी देश की जनसंख्या, देखिए मोटा मोटे जनसंख्या को हमने दो पार्ट में बांटा, अगर उस तीनों क्रम को एक साथ रखे तो जनसंख्या किसी देश की है वो दो पार्ट में बांटा हमने, एक वो कि जो निर्भर है, निर्भर कौन लोग हैं, 0 से 15 आयु वर्ग वाले और 65+ आयु वर्ग वाले, ये दोनों लोग निर्भर जनसंख्या के अंदर माने जाएंगे, ये आयु वर्ग के लोग निर्भर जनसंख्या के अंदर माने जाते हैं। दूसरा श्रम बल, वो लोग जो श्रम बल का निर्माण करते हैं, यानी कि 15 से 65 साल के 64 साल के आयु वर्ग के लोग श्रम बल का निर्माण करते हैं। श्रम बल वो होते हैं, मोटा मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि श्रम बल का मतलब ऐसी जनसंख्या जो किसी देश की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान देता हो, अर्थात वो या तो रोजगार है, उनके पास रोजगार है, या बेरोजगार है तो वो, या तो उनके पास रोजगार है और अगर बेरोजगार है तो काम करने की इच्छा उनके पास है। जनसांख्यिकीय लाभांश, पहले तो जनसंख्या के दो बंटवारे समझ लीजिए, जनसंख्या दो प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब क्या हुआ। जनसांख्यिकीय लाभांश जनसंख्या किसी देश की जनसंख्या की वह स्थिति है, जनसांख्यिकीय लाभांश किसी देश की जनसंख्या की वह स्थिति है जब निर्भर जनसंख्या, निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या श्रम बल की तुलना में कम हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि श्रम बल अर्थात कार्य करने वाले लोगों की संख्या निर्भर जनसंख्या से ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो देश इस समय जनसांख्यिकीय लाभांश के मुहाने पर खड़ा है। भारत के संदर्भ में ये बात इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के मुहाने पर खड़ा है, या जनानकी के लाभांश पर खड़ा है। जनानकी क्या होगा, जनांकिकी या जनसंख्या लाभांश जो होगा इसको अगर डिफाइन करें तो जनसंख्या लाभांश वह स्थिति है जब किसी राष्ट्र में या अर्थतंत्र में, जब किसी राष्ट्र में या अर्थतंत्र में निर्भर जनसंख्या श्रम बल की तुलना में, श्रम बल की तुलना में कम हो। बात समझिए, जनसांख्यिकीय लाभांश वह स्थिति है जब किसी राष्ट्र में या अर्थतंत्र में निर्भर जनसंख्या श्रम बल की तुलना में कम हो जाए। देखिए निर्भर जनसंख्या के श्रम बल से कम होने की स्थिति में लाभांश कैसे होगा। अगर सपोज करिए किसी देश में वृद्ध ज्यादा है, या किसी राष्ट्र में वृद्ध ज्यादा है, या बच्चों की संख्या ज्यादा है, आबादी बूढ़ी हो गई है, तो वहां स्थिति मेडिकल फैसिलिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने की ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, या बच्चे ज्यादा हैं तो शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि श्रम बल का कमाने वाले लोग कम हो जाएंगे और खर्च जिन पर हो रहा है वो संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो राष्ट्र के लिए लाभांश की स्थिति तो नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि निर्भर जनसंख्या श्रम बल की तुलना में कम हो, अर्थात काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो और जिस पर खर्च किया जा रहा है उन लोगों की संख्या कम हो,
तो उस स्थिति में उस राष्ट्र के लिए एक लाभांश की स्थिति होगी, मतलब वह अपने श्रम बल का इस्तेमाल कर करके उस देश की आर्थिक तरक्की में ज्यादा उन्नति कर सकता है, क्योंकि श्रम बल 15 से 64 वर्ष का वो आयु वर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो पहली चीज तो जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे कि श्रम बल है क्या, तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि श्रम बल या जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये हमने समझ लिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसांख्यिकीय लाभांश अगर होगा तो निर्भर जनसंख्या पर खर्च कम होगा, यानी कि कमाने वाले लोग ज्यादा होंगे, खर्च करने वाले लोग कम होंगे, ऊर्जावान जनसंख्या ज्यादा होगी, ऊर्जा रहित ऊर्जा के बिना जो जनसंख्या कम, ऊर्जा वाली जनसंख्या कम होगी, अर्थतंत्र में योगदान देने वाले लोग ज्यादा होंगे, अर्थतंत्र में योगदान देने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो इन तमाम तरीके से ये महत्वपूर्ण है। भारत की स्थिति अभी ऐसी ही है, वर्तमान में भारत की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है कि बढ़ती दुनिया में, बढ़ती आबादी में भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है। भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है, अर्थात 2020 तक भारत में औसत आयु केवल 28 वर्ष है, यानी कि अगर औसत आयु बहुत कम है, 30 साल से कम के हैं, यानी कि युवा देश है, और युवा देश होगा इसका मतलब ये है कि कार्य करने वाले लोग ज्यादा है, ऊर्जावान लोग ज्यादा है, जबकि चीन और अमेरिका में ये 37 वर्ष है, यूरोप में 45 वर्ष है, जबकि जापान में 49 वर्ष है, मतलब वहां की आबादी अब उस कगार पर है जहां पर जल्दी ही रिटायर होने वाले लोग है। ऐसा क्यों होता है, सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश तो हम लोग समझ लिए, जनसांख्यिकीय लाभांश होता क्या ये हम समझ लिए, जनसांख्यिकीय लाभांश महत्वपूर्ण क्यों है ये समझ लेते हैं लिए है, पर रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या कारण है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति बनती है। देखिए जब किसी देश के ऊपर, जैसे भारत में अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार इम्यूनाइजेशन पे काम हो रहा है, टीकाकरण पर काम किया जा रहा है, और जब टीकाकरण जैसी स्थिति, मेडिकल फैसिलिटीज लगातार अच्छी हो रही है, शिक्षा अच्छी हो रही है, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता ज्यादा हो रही है, इससे क्या हुआ कि टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार डाउन हो रहा, फर्टिलिटी रेट लगातार डाउन हो रहा है। और अगर ये लगातार कम हो रहा है, फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन दर लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या जो है एक बार जनसंख्या विस्फोट हुआ और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फर्टिलिटी रेट पर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। इसलिए क्या हो रहा है कि आबादी बीच पहले जो मतलब 2000 के ईस्वी के आसपास, 1990 से लेकर के 2000 ईस्वी के आसपास और कहिए 2010 के आसपास, ये जो दो दशक था इसमें भारत में परिवार नियोजन को लेकर के अनेकों मूवमेंट चलाए गए, हम दो हमारे दो का नारा बुलंद किया गया, ऐसे तमाम ऐसे परिवार नियोजन को लेकर के जागरूकता लोगों में है। इससे हुआ क्या कि इस समय टोटल फर्टिलिटी रेट अचानक से डाउन हो गया, जो 1990 के पहले टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR ज्यादा हुआ करता था वो अचानक से डाउन हो गया। जब अचानक से डाउन हो गया तो ये आबादी जो 1990 के आसपास इस दशक में जो आबादी बढ़ी होगी वो अब युवा होकर के सामने आया है, पर उसके बाद आबादी बढ़ने की गति पर ब्रेक लग गया है। सो इसलिए युवा संख्या बहुत ज्यादा है भारत में इस समय, बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। तो भारत इस समय इस मुहाने पर खड़ा है कि जहां पर भारत में युवा वर्ग ज्यादा है, टोटल फर्टिलिटी रेट पर कंट्रोल होने से भारत में युवा आबादी बहुत ज्यादा है, और किसी देश के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है कि युवा आबादी की संख्या ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा युवा होगा उतना ज्यादा वो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का जितना ज्यादा सृजन होगा उतना ही ज्यादा उस देश के अर्थतंत्र को, इकोनॉमी को फायदा होगा, जितना ज्यादा इकोनॉमी को फायदा होगा GDP को उतना ज्यादा पुश मिलेगा, GDP को उतना पुश मिलेगा तो मुल्क में उतनी ही ज्यादा तरक्की आएगी, ज्यादा ही उन्नति आएगी। तो इसलिए युवा आबादी यानी कि जो ऊर्जावान आबादी है वो ज्यादा है। भारत में इस समय स्थिति यह है कि भारत में लगभग 62% आबादी, भारत में इस समय 62% आबादी युवा है, और कहा तो ये जा रहा है कि 62% जो आबादी युवा है ये अभी शुरू हुआ है। भारत जनसांख्यिकीय लाभांश के दायरे पर 2018 से भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति बनी है, मतलब कि भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति कब से बनी है, 2018 से, ये ध्यान रखिएगा। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति 2018 से कैसे पता, क्योंकि
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये कैसे पता है कि जनसंख्या के लाभांश की स्थिति 2018 से बनी है। भारत सरकार ने तो आंकड़े अपने दो जनसंख्या के 2011 के बाद जारी ही नहीं किए हैं, तो कौन है जिसने ये आंकड़े जारी किए हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सर्च कर सकते हैं और इस बार के लिए पार्ट टू में उस सवाल पूछा जा सकता है कि जिसके आंकड़े इसमें काम आते। खैर, हमारे लिए मुद्दे की बात यह है कि भारत 2018 से जनसंख्या के लाभांश की स्थिति बनी है और कहा तो ये जा रहा है कि यह स्थिति 2036 तक अपने चरम पर पहुंचेगी। मतलब उस समय जो निर्भर आबादी की संख्या और युवा आबादी की संख्या के बीच में जो तुलना कर रहे हैं हम लोग, तुलनात्मक रूप से युवा आबादी की संख्या उस समय मैक्सिमम पर होगी, लगभग 68% के आसपास अपने चरम पर होगी। मतलब 2018 36 आते थे, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 58% कहीं लिखा मिलता है, कहीं 62% रहता है, ये आबादी लगभग 68% ऐसी होगी कि युवा होंगे और या श्रम बल वाले होंगे, युवा होंगे या श्रम बल के आबादी के दायरे के होंगे, और 32% लोग मात्र ऐसे होंगे जो निर्भर होंगे। इसके बाद यह स्थिति बदलनी शुरू होगी। और फिर ध्यान से रखिएगा कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह ध्यान से रखिएगा। दो पॉइंट हमने नोट किया, पहली बात कि भारत में जनसंख्या के लाभांश की स्थिति 2018 में बनी है, दूसरा कि 2036 तक अपने चरम पर होगी, और तीसरी बात यह जो प्रेडिक्शन ये है कि 2041 तक के ये स्थिति बनी रहेगी, 2041 तक जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति बनी रहेगी। इन तीनों पॉइंट को अगर एक साथ आप देखें तो इसका अर्थ ये निकल करके आता है कि अगला, अभी हम लोग कहां हैं 2024 में, यानी कि अगले जो 20 साल के लगभग का दौर है वो भारत के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड है, एक सुनहरा अवसर है कि अपने श्रम बल का, युवा शक्ति का, अपने ऊर्जावान जनसंख्या का फायदा उठाए और अधिक से अधिक तरक्की हासिल करे। तो भारत के लिए अगले 20 साल लगातार, लगभग 20 साल की स्थिति जो बनी है अभी 2024 और 2041 तक के, मतलब लगभग 20 साल की स्थिति, क्योंकि 2018 से शुरू हुआ है तो कह सकते हैं कि लगभग 20 साल की स्थिति ऐसी है जो भारत के लिए गोल्डन पीरियड है। किसके लिए? जनसांख्यिकीय लाभांश को उठाने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश से क्या समझते हैं या क्या स्थिति है, उस पर टिप्पणी करें, तो टिप्पणी करने में आप ये 3-4 पॉइंट लेकर के लिख सकते हैं कि अगले कुछ साल भारत के लिए जनसांख्यिकीय स्थिति। अब सवाल यह है कि जनसांख्यिकीय लाभांश की चर्चा हम लोग आज क्यों कर रहे हैं? असल में हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा कैसे उठाएंगे, जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा कैसे उठाएंगे और क्या करना होगा उसका फायदा उठाने के लिए। देखिए, यहाँ पर पिक्चर है जिसमें हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि 2011 में भारत में जो निर्भर रहने वाली आबादी थी 39% थी, वर्किंग एज पॉपुलेशन लगभग 61% थी, 2031 में ये 35% पर रह जाएगी और वर्किंग एज 65.5%, और उसके बाद ये 63% के आसपास और ये रह जाएगा 38% के आसपास। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगले कुछ साल, मतलब लगभग 20-21 साल भारत में, या 30 साल तक के भी भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकता है। ये बात प्रेडिक्शन से निकाली गई है कि भारत इसका फायदा उठा सकता है। तो फायदा कैसे उठाएगा भारत, भारत फायदा कैसे उठाएगा, इसका अब सवाल है कि कैसे जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाया जाए, क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात है, जो इसमें श्रम बल है उनका मानव संसाधन विकास करना होगा, मानव संसाधन विकास करना होगा। मानव संसाधन विकास पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मानव संसाधन विकास होता क्या है, हमने ये पढ़ा था कि मानव संसाधन विकास क्या होता है, ये सारी चीजें चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जैसे मानव संसाधन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि प्रकृति प्रदत्त हर वो चीज जो धरती पर मौजूद है वो एक साधन है, मानव उसी में से एक है, कि प्रकृति प्रदत्त जो प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुएं या सभी चीज चीज या वस्तुएं उसको साधन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा की थी कि पानी है, तो पानी प्रकृति ने हमको दे दिया, वो एक साधन है। अब अगर वही पानी, अगर आपने उस पानी को पेयजल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब कि अगर यही चीजें अगर यही वस्तुएं मानव के लिए लाभकारी हो जाए, मानव के लिए उपयोगी
या लाभकारी हो मानव के लिए उपयोगी या लाभकारी हो तो उसे हम संसाधन कह देते हैं। समझ रहे कि प्रकृति ने चीजें दी वो साधन है, उसको अगर हमने अपने उपयोग के लिए अपने यूज के लिए बना लिया तो उसको कहेंगे हम लोग संसाधन। लाइट आ गई क्या? तो उसको हम लोग कहेंगे संसाधन, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे संसाधन। अब एक बात समझिए कि पानी अगर साधन है, जैसे पानी अगर साधन है तो पानी को पेयजल के रूप में किसने पहचाना या किसने यूज किया? मानव ने किया। तो पानी साधन है, पेयजल संसाधन है, और इस साधन को संसाधन में बदलने वाला कौन है? मानव है। तो मानव अपने आप में एक साधन बन जाता है, उसी को कहते हैं आप मानव संसाधन, कि मानव अपने आप में एक संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि मानव ही है जो किसी, मान लीजिए कंपनी है जो ब्रिक्स बनाती है, ईंट बनाती है, ईंट की फैक्ट्री ईंट का भट्टा का काम करता है। तो अगर ईंट भट्टे का काम पे अगर देखें तो ईंट भट्टे में मिट्टी से ईंट बनाने, जब तक मिट्टी है तब तक तो साधन है, मिट्टी से जैसे ही ईंट बनेगा संसाधन हो जाएगा। उसको संसाधन में कौन बना रहा है? मानव। अगर उस मानव का कौशल विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो वो फिर क्या होगा? मानव अपने आप में एक संसाधन के रूप में तब्दील हो जाएगा। समझ रहे? तो मानव अपने आप में एक संसाधन के रूप में तब्दील हो जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि मानव को संसाधन के रूप में पहचाने। इस पर डिटेल चर्चा हम लोगों ने लेक्चर 1 में किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें चर्चा कर दी जाएगी। फिलहाल देख लेते हैं कि मानव जो है कैसे संसाधन है। मानव संसाधन प्रकृति के पुरस्कार के रूप में प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ साधन है। यह तभी महत्वपूर्ण होता है जब लोगों को इसकी उपयोगिता मिलती है। मतलब मानव आदि मानव था, धीरे धीरे उसने पहचाना कि कैसे आग लगी पत्थर को टकराने से, फिर उससे धीरे धीरे और तरक्की हुई, छोटे मोटे इंडस्ट्री बने, फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री बने, फिर आज जो मानव कर रहा है ये उसी के क्रम में बहुत आगे तक जा पहुंचे। मतलब मानव ने अपनी उपयोगिता को पहचानी होगी। वी कैन बी प्रोडक्टिव इन अ डिफरेंट वे। अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को पहचानना है तो मानव को एक संसाधन के रूप में बदलना होगा, मानव संसाधन। फिर यह मानव ही है जिसकी मांगे और क्षमताएं प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को संसाधन में बदल देती हैं। मान लीजिए कि मानव नहीं होता तो कैसे किसी मिट्टी को ईंट में बदलने का क्रम कौन करता है? मानव ही करता है। तो किसी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को संसाधन में तब्दील करने का काम मानव का ही किया जाता है। इसका मतलब मानव संसाधन दरअसल उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, किसी कंपनी, किसी व्यवसायिक क्षेत्र, किसी उद्योग, किसी इंडस्ट्री, किसी इकोनॉमी के कार्य बल का निर्माण करते हैं, यानी श्रम बल का निर्माण करते हैं। मानव के संसाधन का विकास भी करना चाहिए। क्या गोल है मानव संसाधन के? क्या लक्ष्य होने चाहिए? क्या लक्ष्य है मानव संसाधन के? लक्ष्य ही होता है फैसिलिटेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मतलब संस्था की या कंपनी की प्रभाविकता को या संस्था के प्रभाव को या परिणाम को बेहतर बनाना। मान लीजिए कि यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसमें काम करने वाले चिप्स बनाने की कंपनी है। अगर उसमें जो चिप्स बनाने वाला है उसको ये पता नहीं होगा कि कैसे पैकेजिंग करनी है, या उसके पास एक प्रॉपर स्किल नहीं होगी, चिप्स बनाने वाली कंपनी अगर उसको ये पता नहीं होगा कि कैसे बेहतर बनाना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है चिप्स को, उसको ये समझ अगर नहीं होगी कैसे लंबे दौर तक के प्रिजर्व करना है, तो कैसे पता चलेगा कि वो इफेक्टिवनेस आएगा? तो वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा उसके अंदर। अगर मान लीजिए उसकी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी को बढ़ाना है, मतलब किसी कंपनी का उत्पादकता और उसकी गुणात्मकता को बढ़ाना है, कि उसमें जो गुण है वो बढ़े, क्वालिटी अच्छी हो,
और क्वांटिटी भी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो, उसके लिए भी मानव ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग पीपल इनटू बिजनेस, लोगों को स्किल प्रदान करके उनके कौशल विकास कर करके लगातार कंपनी में काम करवाना, संस्था में काम करवाना, जिससे उत्पादकता बढ़े, ये सारा काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। एंड किसी एक व्यक्ति को, और ये सब कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति जाता है तो न सिर्फ उस संस्था को फायदा होता है बल्कि व्यक्ति को भी फायदा होता है, उसका भी अपना विकास होता है। तो ये लक्ष्य है मानव संसाधन विकास के, कि मानव संसाधन विकास की जरूरत है। हम लोग फिर से एक बार कनेक्ट करें पॉइंट को, जनसांख्यिकीय लाभांश के मुहाने पर भारत खड़ा है, ये बात को हमें ध्यान में रखना है। मतलब भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि युवा है और उसको स्किल की आवश्यकता है, उसको कौशल विकास की आवश्यकता है, अर्थात उसके मानव संसाधन विकास की जरूरत है और हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मानव संसाधन का विकास कैसे होगा? तो उसके अंदर आप स्किल डेवलप करिए, स्किल डेवलप करिए मतलब उसके अंदर कौशल का विकास होगा। जब कौशल का विकास करने का क्या मतलब? अगर कौशल का विकास होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अनुभव बढ़ेंगे, अनुभव के आधार पर वो चीजों को बेहतर समझेगा, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भेजना पड़ेगा, लगातार प्रशिक्षण मिलेंगे, प्रशिक्षण देने से भी कौशल का विकास होगा, कॉम्पिटेंस होगा, उसको लगातार एक तरह से लगातार उसको कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से वो काम करना शुरू करेगा तो शायद प्रोडक्टिविटी और अच्छी होगी, उसकी लर्निंग सीखने की क्षमता को बढ़ाई जानी चाहिए, इससे भी स्किल प्रोडक्शन में मेहनत मिलेगा, नॉलेज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्किल्ड होता है। ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर स्किल का काम करना, स्किल डेवलपमेंट होगा। इससे ये पिक्चर से ये समझ में आता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रेनिंग के में भेजना पड़ेगा, नॉलेज लर्निंग कॉम्पिटिशन ये सब कैसे आएंगे, अच्छे एडुकेशन से काम होगा, शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अगर हमें इस जनसांख्यिकीय लाभांश में जो एक बड़ी आबादी उस 65 साल के नीचे की है और 15 साल से ऊपर की है, अगर उसका उसके ऊर्जा का फायदा लेना है तो हमें उसके स्किल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या होगा? कौशल विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षण अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। दूसरा, उसके शिक्षा स्तर पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि उसके ग्रोथ और एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ रही है, टेक्नोलॉजी आज के दौर में एक सच्चाई है जो हर दौर में बदल रही है। देखिए अभी AI आ गया है, यहाँ पे बिग डेटा एनालिसिस आ गया है, ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस आ गया है, AI आ गया है, ऐसे बहुत सारे और भी आ गए हैं, तमाम चीजें नई टेक्नोलॉजी हर दूसरे दिन आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और इन सब के साथ साथ उसके ग्रोथ को भी मॉनिटर करने की जरूरत है, मतलब उस पर रेगुलेट और कंट्रोल करने की भी जरूरत है। तो ये तमाम काम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं जो लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो लोगों के लिए नॉलेज बेहतर करेगा, स्किल बेहतर करेगा, शिक्षा का काम करेगा। तो भारत सरकार की तमाम संस्थाएं काम करती हैं किस लिए? मानव संसाधन के विकास के लिए। तो मानव इस मत का मतलब यह है कि इस पंक्ति को अगर समराइज करें, इस पूरे पिक्चर को अगर हम लोग समराइज करें तो इससे ये पता चलता है कि मानव संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता है। तो अच्छी शिक्षा प्रदान करके, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा, मतलब ट्रेनिंग द्वारा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, ठीक है, फिर कौशल प्रशिक्षण मतलब बेहतर स्किल ट्रेनिंग दीजिए, बेटर स्किल ट्रेनिंग, बेटर स्किल ट्रेनिंग प्रबंध, फिर समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल हेल्प। कई बार यह देखा गया है कि रूरल एरिया में लोगों को सीखने के तो शौक हैं पर या तो उनके पास प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं पहुंच पा रहा है या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि कहीं जाकर वो प्रशिक्षण ITI वगैरह में एडमिशन ले सके। तो फाइनेंशियल हेल्प, फिर निर्णय लेने की क्षमताओं को, क्षमता में वृद्धि करके,
कि वो उस व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग कैपेसिटेंस भी डेवलप करिए कि वो डिसीजन जल्दी ले। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, किसी व्यक्ति को रीजनेबल बनाना, रैशनल बनाना, रैशनल और रीजनेबल बनाना। इसका मतलब ये है कि वो समझ सके सिंपैथी और एम्पैथी को भी, दूसरे के भी चीजों को, मजबूरियों को, कमियों को समझ करके उसकी भी मदद करे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके द्वारा कौशल विकास किया जाता सकता है। कैसे? शिक्षा प्रदान करके, कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तमाम ऐसे काम करके किसी भी मानव संसाधन का विकास करने का प्रयास किया जाता है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार ये काम कैसे करेगी। सरकार का काम है अपनी युवा शक्ति को ज्यादा ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डालना और उससे उसका फायदा लेना, सो दैट कि जो अभी युवा शक्ति भारत की, ये इकोनॉमी लगातार बढ़ती रहे। बीच बीच में काट लेना, ये लगातार उसका कौशल बढ़ता रहे ना। तो ये सारे काम सरकार कैसे करेगी? सरकार करेगी, इसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा करेगी। और उन इंस्टीट्यूशंस पे आपके सवाल बहुत सारे आते हैं, उनमें से कुछ संस्थाओं को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ संस्थाओं को आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसकी चर्चा करेंगे। वो कौन संस्थाएं हैं जो काम करती हैं? सबसे पहला काम आता है NCERT। आप देखे होंगे कि पूरे देश में हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में चर्चा किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नई शिक्षा नीति की, ठीक है, नई शिक्षा नीति की बात की हम लोगों ने 2020 वाली। तो नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम कौन बनाएगा? NCERT। तो इसलिए NCERT के पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन विश्वविद्यालय, NUEPA, ठीक है, नेशनल NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एडुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी जरूरत पड़ेगी। UGC की जरूरत पड़ सकती है, UGC बहुत काम करता है। UGC किसके लिए काम करता है? यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। UGC के तहत कॉलेजों को, जो महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए काम करता है। जो CBSE के स्कूल में CBSE परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाती है और NCERT सिलेबस का काम मैनेज करती है, वैसे UGC का काम क्या है कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम क्या होगा, उस विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, कितना फाइनेंशियल एड देना चाहिए, उस विश्वविद्यालय को रेगुलेट क्या करना है, उसके लिए नियामक क्या स्थापित होगा, ये तमाम काम किसका है? UGC का। क्यों? क्योंकि अगर उच्च शिक्षा का मापदंड अच्छा होगा तो उससे क्या है कि अच्छे और शिक्षित कुशल कारीगर, कुशल लोग, कुशल मानव संसाधन का निर्माण होगा और उससे हमारे देश की तरक्की ज्यादा हो सकती है। इग्नू देखिए बहुत ही अपने आप में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। उन तमाम लोगों के पास जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच सकती है या जो किसी कारणवश किसी दूसरे नौकरी में लगे और अपनी शिक्षा को भी पूरा करना चाहते हैं, वो इग्नू के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब क्या कि कौशल का विकास होना, मानव संसाधन का निर्माण करना, वो इग्नू से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे AICTE, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल फॉर एंड एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE का मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जैसे भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIT है, NIT है या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके लिए उनके पाठ्यक्रम तय करना, वो किसके अंदर आते हैं? AICTE के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे किसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होना है।
कौशल विकास में, तकनीकी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी के विकास में, उसकी समझ को तय करने में, उसके कौशल विकास, मानव संसाधन का निर्माण करने में AICTE बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से, NIT से जब अच्छे बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तो जाहिर सी बात है देश की इकोनॉमी में वो ज्यादा योगदान दे पाएंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक शिक्षा परिषद। आप देखे होंगे कि भारत में शिक्षण प्रणाली में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को भी प्रशिक्षण की जरूरत है, वो भी उस स्टैंडर्ड मापदंड पर, जो ग्लोबल, जो वैश्विक मापदंड है, उस पर खरे नहीं उतरते, तो अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। NEP में इसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। किसके साथ भारत अध्यापकों को प्रशिक्षण करेगा, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, UN की एजेंसी उसके साथ काम कर रही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण, NCVT, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगले कुछ साल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NCVT। ITI सुना होगा आपने, यहां देखिए IIT की चर्चा की है आपने, ऐसे ही ITI होता है, बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI बोलते हैं, कि जैसे फीटर है, मैकेनिक है, प्लम्बर है, इन तरह के चीजों को ट्रेनिंग मिलता है यहाँ पर NCVT के द्वारा संचालित ITIs में। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR महत्वपूर्ण संस्थान है, क्योंकि अगर कृषि में लोगों का कौशल विकास होगा तो जाहिर सी बात है, चूंकि भारत की लगभग 49% आबादी कृषि पर निर्भर है, मतलब कृषि क्षेत्र में काम करती है, भारत का लगभग 19-20% GDP कृषि क्षेत्र से आता है, तो इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में योगदान देने से इन लोगों के स्किल डेवलपमेंट होगा और इनके इनकम भी बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे। ऐसे ही IIT की चर्चा हम लोगों ने कर ली है, IIM प्रबंधन संस्थान होते, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड़ी, IIM बैंगलोर, इनकी आपने चर्चा सुनी होगी। ये क्या करेंगे, अगर उचित प्रबंधन होगा, प्रबंधन ही तो अल्टीमेट गोल क्या है, कि सही प्रबंधन हो, प्रबंधन के दायरे में हर चीज आ जाता है, शिक्षा से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर, रिक्रूटमेंट से लेकर, हर चीज। तो अगर अच्छे प्रबंधक होंगे, मैनेजर अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है वो सेक्टर जहां पर भी काम होगा वहां पर कौशल विकास और मानव संसाधन इकोनॉमी में बहुत तरक्की देंगे। ऐसे NITs हैं, हमने पढ़ा जैसा IITs है वैसे NITs है, नेशनल लॉ एजुकेशन। लोगों को अपने अधिकार तो पता होने चाहिए, जो कार्य क्षेत्र पर काम कर रहे हैं उनको अपने अधिकार पता होने चाहिए। महिलाएं कार्य क्षेत्र पर जाती हैं तो उनके लिए विशाखा गाइडलाइन भारत में, बहुत कम महिलाओं को यह पता भी होता है कि उनके लिए कोई अलग से गाइडलाइन है जो उनके कार्य स्तर पर उनके लिए उनके हकों के, उनके अधिकारों की बात करता है। तो अच्छे तरह से लोगों को अपने अधिकार और अपने हक का भी पता होना चाहिए, कानून का भी पता होना चाहिए। तो ये वो संस्थाएं हैं जिसके द्वारा भारत सरकार कौशल विकास या मानव संसाधन विकास का काम करती है। कौन कौन, एक बार ध्यान से देखिए, NCERT है, NUEPA है, UGC है, IGNOU है, AICT, NCVT, ICAR, IIM, IIT और ऐसे बहुत सारे और भी कुछ इंस्टीट्यूट आपको ऐसे भी यहाँ पर हम लोग चर्चा भी एक दो मिनट में करेंगे, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पर दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर CGPSE, बल्कि आप कोई और भी एग्जाम दे रहे होंगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन संस्थाओं की भी चर्चा करेंगे जो स्किल डेवलपमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर शामिल। चलिए एक दो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग NCERT की। देखिए NCERT है क्या, एक ऐसा संस्था है जो पाठ्यक्रम बनाता है, जितने भी CBSE वगैरह स्कूल है उनके लिए पाठ्यक्रम बनाने का काम इसका है, NCERT का। तो NCERT का अगर ये काम है तो NCERT कैसे ये काम करता होगा, इसके कुछ मिशन होंगे, कुछ इसके गोल होंगे, कैसे ये काम करता है NCERT, आप देख रहे होंगे कि इसका लोगो यहाँ पर, जिसमें तीन हंस बने हुए हैं, इन तीन हंस का क्या मतलब है, ये सारी चीजें अभी हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि NCERT की स्थापना कैसे हुई। NCERT, चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं। NCERT एक ऑटोनोमस बॉडी है,
ऑटोनोमस बॉडी जानते हैं, जिसको आप कहते हैं स्वायत्त शासन, एनसीईआरटी एक ऑटोनोमस बॉडी है। स्वायत्त शासी है, ठीक है। इस मतलब कि इसको अपने डिसीजन लेने के लिए किसी मिनिस्ट्री से, किसी डिपार्टमेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इट इज फ्री टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से संबंधित डिसीजन लेने के लिए ये फ्री है। इसके ऊपर किसी का भी कोई ऐसा दायरा नहीं है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। कब किया गया था? 1961 में। 1961 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1961 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्या क्या काम करता होगा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का काम क्या है? एनसीईआरटी का काम है शैक्षणिक रिसर्च, मतलब रिसर्च करना, शैक्षणिक रिसर्च करना है, मतलब टीचिंग के क्षेत्र में कैसे सुधार हो सकता है, क्या सिलेबस कम होगा। बार बार सुनेंगे चर्चा में, कोविड और कोविड के दौरान ये चर्चा में था कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद ये चर्चा में अक्सर रहा कि आप इसके सिलेबस को कम करना है, बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर बर्डन ज्यादा है, बच्चों के ऊपर बर्डन कम है, तो सिलेबस को कम करना है, सिलेबस को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी लगातार चर्चा, तो वो कैसे करता होगा? इनके यहाँ एक कमिटी बैठती है, वो रिसर्च करती है कि कौन से चीज बच्चों के ऊपर ज्यादा है, बच्चों के ऊपर कम है, उन सब चीजों को रिसर्च करने के बाद शामिल करती है कि एनसीईआरटी काम क्या है, रिसर्च करना है। एनसीईआरटी का काम क्या है? करिकुलम को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाना, मतलब पाठ्यक्रम को तय करना कि पाठ्यक्रम क्या होगा बच्चों के स्कूल में, सो दैट कि बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसका काम क्या है कि बच्चों के अंदर बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही उनके अंदर लगातार लगातार स्किल डेवलपमेंट के प्रोसेस के तहत उनका स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, शैक्षिक मॉडल ऐसा हो तो उनके अंदर कौशल विकास होते। इन सब में एनसीईआरटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क तय करना, हमने पढ़ा कि सिलेबस तय करना इसका काम है, शैक्षणिक रिसर्च काम करना इसका है। इसके अलावा आईसीटी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी, कि कैसे बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्टर, अभी इसकी चर्चा करेंगे। एजुकेशन सेक्टर, ये सवाल कई एग्जाम से पूछा गया है, आईसीटी, आईसीटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ये कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की अच्छी बात है कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, पर आप सोच के देखिए कि भारत में ऐसे कितने जगह हैं, कितने स्कूल हैं, कितने ऐसे लकी स्टूडेंट हैं जो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो आईसीटी का बड़ा इस्तेमाल है। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि सूचना और संवाद से जितने टेक्नोलॉजी जुड़े हैं उसका, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि स्थापना कब हुई है, मान लीजिए हमें इसकी स्थापना नहीं पता, तो क्या करेंगे? आराम से स्मार्ट बोर्ड पर जाएंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट से जाकर गूगल पर सर्च कर लेंगे एनसीईआरटी। पर क्या ये गांव के एक बच्चे को ये सुविधा उपलब्ध है? नहीं। तो एनसीईआरटी का काम क्या है कि आईसीटी का इस्तेमाल पाठ्यक्रम में कैसे हो कि बच्चों को बेहतर नॉलेज मिले, ये सारा काम आता है एनसीईआरटी के अंदर। साथ ही इसका काम ये भी कि स्टेट बोर्ड के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन स्थापित करना, स्टेट बोर्ड है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि यूएनडीपी कई बार काम करता है, यूनेस्को इसके साथ काम करता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे काम करना है उसको यहां लिख लेते हैं हम लोग कि कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन या अदर ऑर्गेनाइजेशन, अन्य संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करना, समन्वय स्थापित करने का काम, उनके साथ संबंध बना करके चलना, ये सारा काम एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है? ये सारे तो इसके काम है, इसकी जिम्मेवारियां हैं जो एनसीईआरटी को दिया गया है। एनसीईआरटी है क्या? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नाम से क्लियर है कि रिसर्च के लिए काम करेगा, ट्रेनिंग के लिए भी काम करेगा। किसकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, क्योंकि अगर शिक्षक अच्छे ट्रेंड रहेंगे, शिक्षक ट्रेंड रहेंगे, हर साल एनसीईआरटी मार्च और अप्रैल के आसपास प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत भेजता है, ऑर्गेनाइज कराने की प्रथा है,
अब कितनी जगह होती है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, कितनी जगह होती नहीं होती है, डिफरेंट बात है, पर एनसीईआरटी करता है। तो ये सारे काम एनसीईआरटी के काम है, एनसीईआरटी के ये सारे काम है कि इसके रिसर्च करना, एजुकेशन में क्या करना है और करिकुलम तय करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बाहरी इंस्टीट्यूट के साथ कोलेबोरेट करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स का लेकर के चलना। यही चीज इसके लोगों में भी दिखता है। इसके तीन हंस आपको दिख रहे होंगे, एक दो और तीन हंस इसके साथ है। ये तीन हंसों का अलग अलग मतलब है। तीन हंस क्या क्या बताते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या काम करते हैं, तीनों एक साथ कोलेबोरेशन में एक साथ मिल करके काम करते हैं। क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिप्रेजेंट करता है अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, दूसरे वाले हंस से रिप्रेजेंट होता है ट्रेनिंग, और तीसरा का मतलब है एक्सटेंशन, मतलब इसका विस्तार कैसे हो। इन तीन चीजों की चर्चा करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो मोटो है वो विद्या अमृतम श्रुते, लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग, कि सीखने की कला से जीवन को बदला जा सकता है। ये इसका है, टेकन फ्रॉम ईशा उपनिषद, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी चीजें आप समझ सकते हैं कि मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको एनसीईआरटी से कोई सवाल पूछा जाए कि एनसीईआरटी कौशल विकास में कैसे योगदान कर सकता है, तो आप इनके काम बता सकते हैं। एनसीईआरटी के बारे में पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, आप लोगों से इसकी बात चर्चा कर सकते हैं, स्थापना कब हुई क्या हुई, आप ये चर्चा कर सकते हैं। कुछ और इंस्टीट्यूशन एक आध हम लोग देख लेंगे, एनसीईआरटी के बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं एनसीवीटी की। एनसीवीटी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। एनसीवीटी क्या है, एनसीवीटी देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, हालांकि अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम है एनसीवीईटी। कौशल विकास के अंदर एक संस्था थी एनएसडीए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एकेडमी करके था एनएसडीए, तो एनसीवीटी को, जो पुराना एनसीवीटी था उसको एनएसडीए के साथ मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर देने के बाद जो नया इंस्टीट्यूट बना उसका नाम है एनसीवीईटी, पर काम वही है, कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि एनसीडीए को इसी के अंदर डाल दिया गया है। क्या क्या काम है इसका, मुख्य काम क्या है, आप स्लाइड्स में यहाँ पर देख सकते हैं। आपके लिए मैं दो मिनट छोड़ दे रहा हूं, आप स्लाइड्स में सारी चीजें लिखी हैं, आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं इसका। चलिए, महत्वपूर्ण काम इसका क्या है, महत्वपूर्ण काम ये एनसीबीटी का कि ये आईटीआईज के साथ मिलकर के, जो रूरल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, स्किल ट्रेनिंग का काम करती है, जिसमें फिटर मैकेनिक ऐसे चीजें जो आईटीआई को लेकर के, उसके लिए काम करती है एनसीबीटी। ठीक है, मुख्य उद्देश्य केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना, प्रशिक्षण नीतियां तैयार करने। तो एनसीबीटी उस आईटीआई का प्रशिक्षण नीति क्या होगी, कैसी पॉलिसी उसमें चलानी है, पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके बच्चों का प्लेसमेंट कैसा होगा, ये पूरा काम करना एनसीबीटी का उद्देश्य है। और इसके साथ क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। किन को प्रदान करता है, तो स्कूल छोड़ने के बाद के छात्र या कर्मी, जिन लोगों ने टेंथ की पढ़ाई की और छोड़ दिया, अब कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करें, तो उनको छोटी सी ट्रेनिंग दे देते हैं, चलिए उनको फिटर बना देते हैं, उनको एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन बना देते हैं, उनको मैकेनिक बना देते हैं, प्लम्बर बना देते हैं। इससे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि रेलवे वगैरह में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो उन लोगों को अगर आईटीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डाल दिया जाएगा तो उनसे क्या होगा कि उनको प्रशिक्षण मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा तो नाउ दे आर एलिजिबल फॉर द जॉब, और जब वो जॉब करेंगे तो देश की इकोनॉमी में तरक्की होगी, मानव संसाधन का विकास होगा। ऐसे डिग्री के साथ आईटीआई का स्नातक देते हैं, इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा धारक है। जो डिप्लोमा का काम करते हैं, पॉलिटेक्निक टाइप चीजें हैं, वो भी एनसीबीटी के पाठ्यक्रम पर ही चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम काम है एनसीबीटी का, मुख्य काम है आईटीआई से संबंधित। देखिए, आईटीआई की चर्चा मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि अब जितने भी लोग हैं, कम से कम आईटीआई के काम क्रियाकलाप उसके उद्देश्य से वाकिफ है। बस इतना ही समझ लीजिए कि आईटीआई जो जो काम करती है, आपके गांव में भी कई आईटीआई पॉलिटेक्निक टाइप चीजें होंगी या आपके इलाके में, आईटीआई पॉलिटेक्निक जो जो काम करती है उसको निर्धारित करने वाली बॉडी है एनसीबीटी संस्था है। स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक एजेंसी थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण को एनसीबीटी के साथ रिसेंटली मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है और एक नई बॉडी बन गई है एनसीवीईटी। ठीक है, एक नई बॉडी बन गई एनसीवीईटी, ई स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बाकी सब पुराना ही है। तो ये है एनसीवीटी के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी क्या काम करती है, एनसीवीटी क्या काम करती है। जल्दी से एक आध मिनट में एक आध इंस्टीट्यूट और देख लेते हैं हम लोग, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था निसबर्ड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है।
एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पर से सवाल पूछे जा सकते हैं इस साल, नहीं तो अगले साल। क्यों? क्योंकि एक तो ये नाम बहुत कॉमन नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसके नाम के बारे में भी पता नहीं होता है, पर ये बहुत ज्यादा काम कर रही है इस समय। बहुत सारे जितने, जैसे हम लोगों ने स्किल्स की बात की थी, प्रोग्राम की बात की थी कि संकल्प योजना है, ऐसे तमाम और भी योजनाओं को चलाने का काम कौन करते हैं, ये निस्बट काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि लोगों को रोजगार पैदा देना और लोगों को छोटे उद्योगों में शामिल करना, उसके लिए लोगों को तैयार करना, मानव संसाधन का विकास करना, उसकी क्या नीतियां होंगी, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ये सारा काम करने वाला इंस्टीट्यूट कौन है? निस्बड़ है। किसके अंदर आता है? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के अंदर ये आता है, कौशल विकास उद्योगिता मंत्रालय के अंदर एक संगठन है। बहुत सारे प्रोग्राम ये चलाता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, पर इसके काम जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? उद्यमिता और कौशल विकास, क्योंकि जितनी एजेंसी की बात करें सबका उद्देश्य यही है कि कौशल विकास करना, मानव संसाधन विकास करना, उद्यमिता का विकास करना। ठीक है, के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन संलग्न है। ये रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ये प्रशिक्षण भी देता है, ये रिसर्च भी करता है, ये एडवाइस भी करता है। संस्थान का मुख्य कार्यालय नोएडा में है। प्रमुख गतिविधियां क्या क्या है? प्रशिक्षण, अनुसंधान, ये चर्चा हम लोग कर चुके। देखिए क्या क्या गतिविधियां हैं, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा अध्ययन। आप एक बार इस पूरी स्लाइड को, जो इंग्लिश मीडियम में देख रहे होंगे उनके लिए इधर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए उधर लिखा है, आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा अध्ययन, मतलब कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, ये रिसर्च भी करेगा, लोगों का ये इवैल्यूएशन भी करेगा कि वो किस तरह से लेवल वन लायक, लेवल टू लायक है, किस तरह उनका बिखराव हो। पाठ्यक्रम चर्चा, मतलब कि जो करिकुलम होगा, जो सिलेबस होगा, उसकी चर्चा और उसका डेवलपमेंट। क्लस्टर हस्तक्षेप, कि एक तरह से छोटे छोटे जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्लस्टर बनाया, क्लस्टर बना करके काम किया जाएगा। उद्यम निर्माण के लिए हाथ पकड़ना, अर्थात हैंड होल्डिंग ऑफ द एंटरप्राइज क्रिएशन। अगर कोई व्यक्ति स्किल सीखने के बाद चाहता कि नहीं वो अपना उद्योग शुरू करे, तो उसमें भी मदद करेगा ये। कैसे मदद करेगा? अगर उसको लोन चाहिए तो मुद्रा लोन दिलवाएगा, अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा काम करवाएगा एनसीबीटी। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां भी इसकी हैं, कि अगर किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है तो उसमें भी मदद करेगा और एडवाइस भी करेगा। पवित्र शहरों में उद्यमिता विकास पर पायलट परियोजना है, क्योंकि पवित्र शहर में उद्यमिता ज्यादा हो जाने से वहां पर प्रदूषण फैल जाते हैं, तो उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो। ये सारा काम करेगा निस्बड। निस्बड के अंदर देखिए क्या क्या काम होता है। पहली बात कि संकल्प परियोजना की चर्चा हम लोगों ने की है, कि संकल्प परियोजना क्या होता है इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। तो संकल्प परियोजना चलाने वाला भी कौन है? निस्बड ही संकल्प परियोजनाओं को चलाएगा। संकल्प परियोजना का मतलब है स्किल्स एक्विशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम। संकल्प का मतलब यह हुआ कि स्किल्स एक्विशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम्स। एक तरह से ऐसा समझिए कि एक योजना है जो लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? तो लोगों को छोटा छोटा कौशल सिखाएगा और उनसे एमएसएमई सेक्टर वाले काम करवाए जाएंगे। आप जानते होंगे कि सूक्ष्म व लघु उद्योग भारत की एक जान रहे, भारत के अर्थतंत्र की आर्थिक स्थिति की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का रहता है। तो एमएसएमई में लोगों का जीविका उपलब्ध, उसको और एक्सपैंड कैसे किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, उसके लिए भारत सरकार की योजना का नाम संकल्प योजना है, उसके तहत काम किया जाता है। ये आपका काम है कि संकल्प योजना के बारे में पढ़ लिया जाए, चर्चा में रहा है पिछले 2 सालों से, खास करके पोस्ट कोविड, कोविड के बाद इनकी चर्चा जरूर है। निस्बड़ का दूसरा काम देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जेल कैदियों के बीच उद्यमिता विकास। लोग जेल में क्यों जाते हैं? कोई जानबूझ करके, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके गलत काम नहीं करना चाहते, छोटी मोटी चोरियां, छोटे मोटे ऐसे क्राइम कर लेते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अभाव होता है, उनके पास रोजगार नहीं होता है। साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर उसको देखा है कि उनके पास रोजगार का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई कौशल नहीं होता है। तो जेल के अंदर ही उनके अंदर कौशल विकास किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, मानव डेवलपमेंट किया जाएगा, मानव संसाधन का विकास किया जाएगा, सो दैट वो जेल के बाहर जब आए तो फिर से वही काम ना करें जिससे समाज को, दुनिया को नुकसान पहुंचता है। तो उनको स्किल डेवलपमेंट जेल के अंदर ही कर दिया जाएगा कि अगर जेल के बाहर है तो वो कम से कम रोजगार परक हो, उनकी नियोजिता उनके पास हो, सो दैट उनको किसी काम में
उनकी उत्पादकता का फायदा मिले। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर की सामग्री का विकास। आपको पता नेशनल लेवल कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट का मतलब कि तमाम चीजें जो इन सब चीजों को स्किल डेवलपमेंट को लेकर के चलती है उसका विकास करना। कारीगर मेलों और हाट, कारीगर मेलों और हाटों में कार्यशालाएं। हाट समझते हैं आप, हाट हाट मतलब ये है कि पुराना कॉन्सेप्ट, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सब अर्बन एरिया है, बाकी इसके चारों तरफ जो गांव के लोग, बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं जहां पर सड़कें भी नहीं होती थी, तो हफ्ते में एक दिन तय किया जाता था कि इस क्षेत्र के लोग आकर के अपना सामान, सब्जी, छोटे मोटे और भी जो सामान बनाते हैं वो इस जगह पर आकर के बेचेंगे। मान लीजिए मंडे को इधर वालों ने बेचा तो ट्यूजडे को इधर वाले बेचने आएंगे, ट्यूजडे को इधर वाले बेचे तो थर्ड हो सकता है नेक्स्ट डे इधर से लोग आए, हो सकता है उसके अगले दिन इधर से आए। तो आप अक्सर सुनेंगे शहरों में चर्चा, जैसे आप बिलासपुर में हैं तो बिलासपुर में आप सुनेंगे बुधवारी बाजार। कभी इतिहास में जब बिलासपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं रहा होगा तो बुधवार के दिन वहां पर आसपास के लोग आते होंगे, अपने सामान को बेचते होंगे और लोग खरीदते होंगे, बुधवार को वहां पर हाट लगता होगा तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बुधवारी बाजार। ऐसे ही हाट का सिस्टम भारत में बहुत पुराना है। आप जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, वहां हाट का सिस्टम बहुत चलता है क्योंकि लोग खेती में लगे रहते हैं, एक दिन जाते हैं हाट से सामान बेच लेते हैं या खरीद लेते हैं। तो उन जगहों पे कारीगर मेलों में और हाट कार्यशालाओं में जाकर के लोगों को यह समझाना, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, ये काम भी निस्बड का ही बहुत अच्छा स्कीम है ये। फिर डीजीटी के तहत, डीजीटी के तहत क्या होता है कि लोगों को आईटीआई प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। अब समझिए आईटीआई अपने आप में एक प्रशिक्षण देने की संस्था है, पर उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी जब जो लोग वहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, मतलब जो लोग वहां पर टीचर हैं, वहां प्रोफेसर, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए तो वो पूरा काम कौन करवाएगा? निस्बड करवाएगा। दिल्ली पुलिस के साथ युवा प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चा में है अभी दिल्ली पुलिस के साथ युवा प्रोजेक्ट और इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। युवा प्रोजेक्ट में क्या होता है अभी बताते हैं। देखिए कुछ युवा जो समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा है, यंग हैं, तो उनके लिए जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस की कमी है इस देश में, तो उन युवाओं को बोला जाएगा, उन युवाओं को बोला जाएगा कि आइए और आप दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके उनको एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी और छोटे मोटे चीजें जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम है या रायट्स के दौरान लोगों की मदद करनी है, पीस पहुंचानी है, शांति के, कहीं मान लीजिए दंगा फैल गया उसके बाद जो स्थिति है उसमें लोगों को मदद पहुंचाना है, मेडिकल हेल्प देना है लोगों को, तो उस समय युवा प्रोजेक्ट के तहत उन युवाओं को ट्रेन किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है दिल्ली पुलिस उनको बुलाती है और अपने साथ काम करती है, तो वो लोग समाज को बना सकते हैं। ये सारा काम निस्बड का काम है। इट इज अ मेंटोर प्लेटफॉर्म। आपको अगर कोई रोजगार चाहिए, स्टार्ट करना है, आप चाह रहे हैं कि हम अपना छोटा बिजनेस शुरू करें पर उसको लेकर के आपके मन में तमाम दुविधाएं हैं, आप जाइए इसको उद्यम दिशा ई मेंटरिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करिए और अपने सवाल दागिए। वहां पर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो आपको वहां से कांटेक्ट करेंगे और आपको सलाह देंगे। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। उद्यम दिशा निस्बड के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है, जो एक ई मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, वहां पर जागरूकता दी जाएगी। ऐसे एक बार दीक्षा प्लेटफॉर्म पूछा गया था, तो उद्यम दिशा पर भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी काम है जो स्टार्टअप गांव में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना निस्बड का काम है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी का डिस्कशन किया है, एनसीबीटी किया है, निस्बड किया है, यहाँ पर हमने निस्बड की बात की है। एक इंस्टीट्यूट और मैं करना चाहता हूं यहाँ पर आपके साथ, आईआईई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाम से पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेगा, मतलब लोगों के अंदर उद्यमिता का विकास करवाएगा लोगों को। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करके, ट्रेनिंग करके और एडवाइस गतिविधियों से लोगों के अंदर रिसर्च उद्यमिता का विकास करने का ये काम करेगा। ये एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है, मतलब फिर एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको किसी से मदद जरूरत नहीं है। क्या क्या काम करेगा? देश में उद्यमिता को विकास देगा, मतलब युवा लोगों को रोजगार, जिसने मुद्रा लोन लिया उसको फिर कॉन्टैक्ट करेगा, उससे पूछेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर उस व्यक्ति को उसकी मदद पहुंचाई जाएगी उद्यमिता विकास में। अनुसंधान करना, रिसर्च करना, परामर्श करना कि आने वाले 10 वर्षों में देश को किस स्तर की तरफ जाना चाहिए, किधर एमएसएमई का ज्यादा योगदान होगा, ये सारा काम इसका है।
तो आप देख सकते हैं एक बार कि इसके स्लाइड्स में जितनी चीजें लिखी गई हैं आईआईई के बारे में पूरी चर्चा की गई है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ और इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप देख सकते पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ की है, पर आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। AICTE के बारे में पढ़िएगा जरूर, AICTE बहुत काम का है, ठीक है। फिर आप स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस देश में चलते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर का वेबसाइट खोलिए, उनमें से कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 मिनट के लिए पढ़ लीजिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का। आप एक हल्का सा नोट जरूर बना लीजिए, वो आपके लिए हेल्प करेगा। मिनिस्ट्री का आप वेबसाइट खोलिए, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। UGC के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, बहुत हो गया उसके बारे में। एक इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पहला लेक्चर आप देखेंगे उसमें मिलेगा, HECI के बारे में चर्चा की, उसको जरूर पढ़िएगा। आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट में पहली लाइन यही लिखी गई है। AICTE के बारे में, बाकी कॉमन नॉलेज IIT के बारे में, NIT के बारे में, IIM के बारे में, कैसे इसका एग्जाम होता है, कैसे एडमिशन होता है, ये सब आपको पता है। IIT का एग्जाम नीट एग्जाम के थ्रू होता है, तो ये कैसे काम होता है। और आपके लिए चलते चलते एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पर और रख दे रहा हूं, जो आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, ICAR भारत में कृषि के लिए जिम्मेदार है, कृषि में रिसर्च करने का काम ICAR का है, ठीक है। ICAR का काम कृषि के क्षेत्र में काम करना है, शिक्षा विभाग और मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। किसके अंदर है? कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, ठीक है। बेसिकली ICAR का ही की ही देन है कि आज हम अपने देश में बैठ करके अच्छे से खाना खाते हैं, सबको इतना 5 किलो कहीं कहीं 35 किलो राशन मिल रहा है, यानी कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के तहत भारत में सभी लोगों को कम से कम खाने की व्यवस्था मिल रही है। एक दौर था जब भारत को अमेरिका से एक ऐसे थर्ड क्वालिटी, बहुत गिरी ही क्वालिटी का गेहूं मंगवाना पड़ता था और खाना पड़ता था, और अमेरिका वो भी देने में भारत को आनाकानी करता था। लेकिन उसके बाद ICAR के साथ मिल करके, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसके साथ मिल करके भारत ने एक प्रोग्राम चलाया, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को चलाने वाली एक संस्था ICAR थी, और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है, उसके बाद एवरीथिंग इज हिस्ट्री। क्या कि अनाज भारत में 4 गुना ज्यादा है, जितनी खपत है उससे, मतलब जितनी भारत में उत्पादन बढ़ाया गया जो पहले हरित क्रांति के टाइम था, उससे 4 गुना ज्यादा हरित क्रांति पर, आबादी तो लगभग 2 गुना ही हुई होगी पर अनाज 4 गुना है। बागवानी फसलें 6 गुना ज्यादा हमने बढ़ा दिया, मतलब जितना भी उपजाते हैं बागवानी फसलें फल वगैरह वो ज्यादा है। 9 गुना ज्यादा मछली पालन है, और अंडों की तुलना 6 गुना दूध और अंडे बढ़ा दिए, 27 गुना अंडे। तो ICAR के प्रयासों से ही यह संभव हुआ कि भारत आज खाने के मामले में, फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के मामले में भारत आज पूरी दुनिया में बेस्ट पोजीशन पर है, जहां पर भारत में लोगों को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध है, खाने की दिक्कत किसी को भारत में नहीं है। तो आपके लिए ये सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखनी है कि ICAR कैसे बना है। इतने इंस्टीट्यूट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे बाहर आने के चांसेस नहीं है। संकल्प वगैरह कुछ स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, कुछ स्कीम्स जिसके बारे में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि आपको उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। जैसे NAPS है, नेशनल, NAPS का मतलब नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। नेशनल, एक काम करते हैं नेक्स्ट पे लिख लेते हैं कि आपको कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। स्कीम इन NAPS, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, अप्रेंटिसशिप की हिंदी होती है प्रशिक्षुता, बाकी सबका तो आपकी हिंदी पता होगा, नेशनल का राष्ट्रीय होता है, प्रमोशन का प्रमोशन पता होता है, स्कीम का मतलब योजनाएं पता होते हैं। इसके अलावा संकल्प के बारे में पढ़ लीजिएगा कि संकल्प स्कीम क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, संकल्प स्कीम की चर्चा कर चुके हैं। है क्या कि क्वेश्चन ऑफ नॉलेज और लाइवलीहुड स्कीम, कि लोगों को नॉलेज के थ्रू लाइवलीहुड दिया जाएगा,
कि पहले नॉलेज इतना गेन करवा दिया जाए कि वो लाइवलीहुड खुद से ही अपना कमा सके और उसको मदद की जाएगी। तो ये नॉलेज और लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोग्राम है संकल्प। संकल्प के अलावा आपको पढ़ना चाहिए श्रेयस के बारे में, श्रेयस स्कीम आपको पढ़ लेना चाहिए। श्रेयस स्कीम किसके बारे में? श्रेयस स्कीम बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए है कि हायर एजुकेशन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है। किसके? एंटरप्रेन्योरशिप इन अप्रेंटिसशिप इन हायर एजुकेशन। मैं बस यहां पे क्रक्स लिख रहा हूं कि जो उसका कीवर्ड है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम और ये स्कीम किसके अंदर आता है ये पढ़ने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यू इज स्किल इंडिया डिजिटल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमारी तरफ से इतनी चीजें आपको हैं कि आपको पढ़ लेना चाहिए। क्या हम लोगों ने 3 दिन लगातार चर्चा किया। पहले दिन हम लोगों ने मानव संसाधन क्या होता है उसके विकास पर चर्चा की, मानव संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता है, क्या उसके रास्ते में रोड़े हैं, मतलब क्या चुनौतियां हैं और क्या मदद करनी चाहिए, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसकी बात हम लोगों ने की। दूसरे दिन हम लोगों ने चर्चा की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात की थी। इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोगों ने किया उसमें लेक्चर 2 में। और आज हम लोगों ने जनसांख्यिकीय लाभांश चर्चा की कि जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या रास्ते के रोड़े हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं और उसको कैसे हटाया जा सकता है, और उस क्रम में भारत सरकार की कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं जो महत्वपूर्ण 4-6 संस्थाएं हैं उसकी यहां पर चर्चा की। कुछ आपके लिए छोड़ दिया गया कि आप ये इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़िएगा। फिर कुछ स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षुता के ऊपर ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षुता पर सवाल बन सकते हैं, और नैप्स के बारे में पढ़िएगा, स्किल डेवलपमेंट पर योजना के बारे में पढ़िएगा। ये 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परियोजना है। तो पार्ट 3 पेपर 7 के लिए इतना ही हमारे तरफ से। थैंक यू वेरी मच कम्युनिटी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जरूर रिप्लाई देंगे हम लोग। और लास्ट सॉल्यूशन आपके लिए कंपटीशन कम्युनिटी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CGPSE। जरूर यहां पर एक बार विजिट करके देखें अगर ज्यादा मदद की जरूरत है तो। थैंक यू। Thank you.